चाचा जी जाग गए मैडम। तो क्या चाचा जी को मैडम लोरी जाके सुलाएंगी? तो चुप हो जा वरना एक रैप्टे में यही सुला दूंगा तुझे मैं। मिस्टर साजन, आपकी हिम्मत कैसे हुई छेदी से ऐसे बात करने की? नहीं सर, मैं सर छेदी को समझा रहा था कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो छेदी जैसे छोटे आदमी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो आप भी दो मिनट के लिए एकदम चुप रहिए एकदम, अभी हम और संजना बात करेंगे। बेटी ये क्या है सब? पापा इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं आपको बाद में सब कुछ समझाऊंगी। okay? हाँ, अभी फिलहाल आप मेरे साथ मेरे घर चलिए जल्दी। नो मिस्टर साजन, इतनी रात को मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। मैडम प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम। प्लीज मैडम, थोड़ी देर की बात है, सुबह चाचा जी चले जाएंगे मैडम, सिर्फ इस रात की बात है मैडम, प्लीज चलिए मैडम, मना मत कीजिए प्लीज। मिसेस साजन, मैंने मना कर दिया है सो मना कर दिया है ना, प्लीज आप अपने घर पे जाके सो जाइए और मुझे सोने दीजिए। चलिए 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 सर चलिए, मैं आपको रिक्शा पकड़वा देता हूँ, वरना आप जैसी शक्ल वालों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं सर। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे ना मैडम अभी, तो मैं भी ऐसे अकेले घर नहीं जाने वाला हूँ अपने, मैं यहीं बैठूंगा पूरी रात आपके घर के बाहर चौखट पे, और सुबह जब मेरी सर्दी से अकड़ी हुई लाश आप देखेंगे ना वहां, तो उस लाश को प्लीज मेरे घर पहुंचा दीजिएगा आप। मैं तो नहीं जाऊंगा। ये बिलौटा भी ना एक नंबर का झंडूस है। अबे मैंने और इसके बाप ने कम अकल अनपढ़ गवार बीवियां संभाल ली, लेकिन ये एक पढ़ी लिखी समझदार बीवी को नहीं संभाल पा रहा है। चिरकुट कहीं का। आप जो मुझसे करवा रहे हैं इसके लिए आपको डबल पे करना होगा। पर चाचा जी मुझे पे कर देना, डबल क्या, मैं आपको चबल पे करूंगा। ये पहन लीजिए। चाचा जी मैं आपकी बहू को ले आया। अबे तो सो मच वाइड वाई हैपनिंग। सो मच वाइड वाई हैपनिंग, इतना चौड़ा क्यों हो रहा है? भगाया भी तो तूने ही था। देख बहू, ये मेरा बिलौटा है ना, ये बचपन से ही अकल के मामले में थोड़ा कम है, पर तू तो पढ़ी लिखी समझदार है, इतनी रात को एक बहू का घर से बाहर निकलना शोभा देता है क्या? चाचा जी किसी ने इसको रास्ते में पकड़ के इसका मोड़ तो नहीं बना दिया ना? अबे मेरा ये मतलब था कि नहीं निकलना चाहिए इतनी रात को घर से बाहर, नहीं निकलना आगे से। अच्छा तू इसको छोड़, तू मुझे बता व्हाट से वाज़ ही क्या कहा था इसने? वेल चाचा, वो चाचा जी मैं आपको, तू चुप, तू बहू है तो फिर थोड़ी देर के ना चुप्पी का चूरन चाट के चुपचाप खड़ा रहे। बहू तू बोल। चाचा जी मैं एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी और ये मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहे थे, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। नहीं नहीं चाचा जी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा मैं तो हेल्प कर रहा था। हाँ ये मुझे हेल्प कर रहे थे चीटिंग की पर्चियां देकर, और मुझे कह रहे थे कि चिट्स में छुपाने के लिए ऐसे ऐसे जगह सजेस्ट करूंगा कि उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नालायक उल्लू की दुम, खबरदार जो बहू को पर्चियां बनाने का आइडिया दिया तो। और बहू ये फिर से तेरे को दोबारा पढ़ने से रोके ना तो तू नाराज होके खुद घर से बाहर मत निकलना, मेरे को बोलना। क्या बात करें चाचा जी आप, ये आपको घर से बाहर निकलने के लिए कैसे बोल सकती है? अबे ये अपनी परेशानियां बताएगी मुझे, घर से बाहर तो मैं निकालूंगा तुझे, समझा? जी बॉबी चाचा। अच्छा अब तुम दोनों है ना थोड़ी देर के लिए सो जाओ और पेडिग्री के बारे में सोचो। हाँ अब मैं भी चलता हूँ, बहुत थकान हो गई है मेरे को। हाँ मैं भी जाके सोता हूँ और सोचता हूँ किसी चीज के बारे में तो सोचना पड़ेगा। गुड नाइट चाचा जी। गुड नाइट बिलौटे। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। ऑलराइट मिस्टर साजन, अब बहुत नींद आ रही है, कैसे सोना है? आप बेड पे सो जाइए मैडम, मैं नीचे चादर बिछा के सो जाऊंगा जैसे तैसे। नो मिस्टर साजन, मैं आप ही के कमरे में आपको नीचे सोने नहीं दूंगी। मतलब आज मैडम और मैं एक ही बेड पे?
मैं चाहती हूँ कि आप अपने किचन में सो जाएं। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं किचन में जाके सो जाता हूँ, आप यहाँ सो जाइए। Get out, Mr. Sir. किचन में। कुछ चाहिए हो तो बताइए। बेबी, मेरा बिस्तर नहीं लगाया तुमने यहाँ पे? क्यों, तुम तो मालिक हो ना, एक नौकरानी के साथ कैसे सो सकते हो? अरे यार, तुम बिल्कुल ठप हो गया, चाचा जी आ गए थे अचानक से, मैं क्या बोलता, तुम पलंग के नीचे थी। तो तुमने नौकरानी ही क्यों बोला, कुछ और भी तो बोल सकते थे। जो अचानक से दिमाग में आया वो बोल दिया मैंने यार। लेकिन तुम्हारे चाचा जी की आंखों में क्या मोतिया बिंदे, फटाक से मान गए वो। अरे वो बेचारे बोले यार चाचा जी, और वैसे भी तुम बिना मेकअप के थी ना। तो बिना मेकअप के मैं तुम्हें नौकरा नहीं दिखती हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब ही नहीं था यार, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो यार, जबकि मैं यहाँ पे फैमिली बढ़ाने आया हूँ। बेबी, बिलोटे का बाप अगर जिंदा होता ना तो ये सब देख के दोबारा मर जाता। अबे ना मैं पानी लेने जाता, ना मेरे को भी ये सब देखने को मिलता। मैं तो पानी लेने गया था, लेके क्यों नहीं आया? संजय, तुम्हें पता है ना पंडित जी ने क्या कहा था, कि आज का मुहूर्त बहुत शुभ है, आज में चांद से गुड़िया पैदा होगी। तो जब माँ चांद सी होगी तो बेटी भी तो चांद से ही पैदा होगी ना। हाँ, तुम्हें तो मैं बिना मेकअप के नौकरानी दिखती हूँ ना। अरे नहीं यार, तुम कहाँ नौकरानी हो, तुम तो मेरे दिल की रानी हो। अब ऐसे पागलों वाली हरकतें मत करो। ये भी तुमको याद है हमने हमारी स्वागरात कहाँ मनाई थी? याद है। कहाँ? मम्मी के पुराने वाले घर पे, किचन में मनाई थी, और बर्तन गिरने की आवाज से सब लोग उठ गए थे। संजू, छोड़ो ना ये सब पुरानी बातें। तो बताओ, तुमको बेटा चाहिए कि बेटी? संजू, मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दो। पता है, जब बेटी आती है ना तो घर में लक्ष्मी आती है। तो आओ तुमको बेटी दे दो। बिलोटे, अबे क्या कर रहे हैं तू? चाचा जी, आप इतनी रात को किचन में क्या कर रहे हैं आप? अबे मेरी छोड़, मैं तो रात को किचन में पानी पीने के लिए आ रहा था, पर तू रात को बत्ती बुझा के इस नौकरानी के साथ किचन में चटाई पे लेट के कर क्या रहा है? मैं ये वो इसका हस्बैंड, चाचा जी इसका हस्बैंड इसको छोड़ के चला गया ना, तो ये बेचारी बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी, तो मैं इसको समझा रहा था बस। अरे बेटा, समझाना ही था तो बत्ती जला के समझाता, बिठा के समझाता, ये अंधेरे में चटाई पे लिटा के समझाने का क्या तरीका हुआ भाई? पहले हम लोग बैठे ही हुए थे चाचा जी, फिर ये रोते रोते लेट गई, इसको समझाते समझाते मैं भी लेट गया फिर। अरे बेटा, आज से ठीक 20 साल पहले सेम टू सेम सिचुएशन और स्टाइल में मैं भी एक दुखियारी को लिटा के समझा रहा था। तेरी चाची ने इतना पीटा कि लेट बॉबी अग्रवाल होने से हेयर हेयर सेव गया था। हेयर सेव गया, बाल बाल बच गया था। लेकिन चाचा जी, मेरा इरादा गलत नहीं था। अरे बेटा, इरादा तो आदमी का कभी भी गलत नहीं होता। इरादा तो ना तेरा गलत है ना मेरा गलत था, एक्सीडेंट हो जाता है रफ्ता रफ्ता। खैर, अभी बातें बनाना बंद कर और जा जा बहू के पास जा। साहिब। ए लड़की, अगर तेरा हस्बैंड तेरे को छोड़ के चला गया है ना, तो लेट के समझने की बजाय थाने में रिपोर्ट लिटा, मतलब लिखा, मेरे भतीजे के पीछे क्यों पड़ी हुई है तू? चल चल यहां से। साहिब। तेरी की, बचाओ कोई। उल्लू का पट्ठा, नौकरानी को लिटा के समझा रहा था, ये तो अच्छा हुआ कि मैं पहुंचने में लेट नहीं हुआ, वरना पता नहीं कैसे कैसे समझाता।
खून, अरे खून हो गया, खून खून, मेरी बेड के नीचे खून हो गया, खून हो गया, क्या हुआ चाचा जी, क्या हुआ? लौटे, गजब हो गया, किसी ने एक औरत का खून करके उसमें हवा भर के फुला के मेरे बेड के नीचे छुपा दिया। क्या कह रहे हैं चाचा जी आप? अबे वो ही कह रहा हूँ जो तू सुन रहा है, यकीन नहीं आ रहा तो झोंक और देख। अबे यार इस मोटे भीम ने फंसवा दिया यार, चाचा जी को क्या जवाब दूंगा? बाहर निकलो, बाहर निकलो। अबे ये तो जिंदा है, उठ गई। अब इनके उठने पे ये सवाल उठता है कि ये जिंदा क्यों है। अबे पागलपने की बातें मत कर, है सवाल ये उठता है कि ये मेरे बेड के नीचे क्यों है और कौन है। अरे चाचा जी ये वो तारामती है। अबे तारामती हो फूलमती, मेरे बेड के नीचे क्यों छुपी हुई थी? छुपते तो नवाब साहब थे। अबे ये मेरा बेड कोई छुपम छुपाई का अड्डा है क्या? नहीं ये लोग ना चाचा जी ये कर्जदारों से छुपते रहते हैं बेचारे, इनके ऊपर बहुत कर्जा है चाचा जी, ये बहुत कर्जे में डूबे हुए लोग हैं ये। ये वो जुबनिया की मम्मी है ये चाचा जी, और एक बहुत बड़े नवाब थे उनकी पत्नी है नवाब टुन। नवाब टुन? अबे ये कौन सा नाम हुआ? नहीं ये उनका काम था चाचा जी टुन रहना, पूरे टाइम वो नवाब टुन रहता था चाचा जी, पूरे टाइम टुन रहता था। इतना कर्जा चढ़ा लिया उसने अपने ऊपर और कर्ज में बेचारे इन लोगों को दबा दिया। हर शाम उस नवाब की जो है नशे में गुजरती थी, और एक दिन शाम नशे में थी और नवाब साहब गुजर गए। उसके बाद से दोनों बेचारी दुखियारी लोगों के घरों में जा जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना गुजारा करती। एक जमाना था चाचा जी जब ये मखमल के बेड पे सोया करती थी, और अब लोगों के बेड के नीचे घुस घुस के सोती हैं। बिलोटे एक लाइन और ऐड कर देता ना तो कसम से आंख में आंसू आ जाते। बड़ी दुख भरी कहानी है इनकी। खैर भगवान करे कि इनका कर्जा जल्दी से उतरे और ये फिर से अपना बदन लेकर अपने मखमली बेड पे फिर से सो सके। इनकी छोड़िए चाचा जी, करेंगे अपना मैनेज। आप सो जाइए चाचा जी, आप बहुत थक गए होंगे, आप सोइए आके। हाँ बेटा इस पूरे चक्कर में है ना बदन में थोड़ी थकान हो गई है, हैं? ठीक है अच्छा, गुड नाइट चाचा जी। गुड नाइट, गुड नाइट। ये चश्मा रख दो। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, जाओ जाओ अपने कमरे में। चली गई। पंडित जी, चरण स्पर्श पंडित जी। अखंड सौभाग्यवती भव। कहिए क्या आदेश है? भाभी जी मैं अभी आपकी और साजन की कुंडली ही पढ़ रहा था, चंद्रमा श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से पप्पी लीजिए, उत्तम रहेगा। पप्पी तो नहीं ले सकती। क्यों, क्या समस्या है? संजू मना करते हैं। मना करते हैं, कमाल है। वो क्या है ना पंडित जी, संजू को बचपन में ना एक कुत्ते ने काट लिया था, तो वो पप्पीज पसंद नहीं करते। भाभी जी वो वाला पप्पी नहीं, पप्पी यानी कि झप्पी, झप्पी वाली पप्पी यानी कि चुम्बन। चुम्बन ले लीजिए अभी, ऐसा करने से बच्ची रूपवान होगी। ठीक है पंडित जी, मैं अभी करती हूँ। मुझे तो एक सुंदर सी बेटी चाहिए, पप्पी तो मैं लेकर ही रहूंगी। साहिब। अरे तारामती झाड़ू मार रही हो या झंडा लहरा रही हो, हैं? अरे इतना मत शर्माओ, जितना ज्यादा शर्माती हो ना उतनी ज्यादा बुरी लगती हो। लो फिर शर्मा रही है। ये बिलोटे ने भी ना जाने
किन किन नमूनों को घर में पाल रखा है। ओहो, ओहो, कैसी हैं आप। लो एक और नमूना आ गया। बहुत मिस कर रहा था मैं आपको। तो फिर आए क्यों नहीं? अरे आना तो चाहता था लेकिन क्या करूं, काम में फंसा हुआ था। ए भाई साहब, ये चित्रकूट पे भरत आप क्या हो रहा है? कौन है आप? ओहो, समधी साहब, कैसे हैं आप? मैं संजना का पापा छेदी। छेदी जी? होली 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 छेद होली। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। पर आप हमारी नौकरानी के साथ नेक वाई मीटिंग गले क्यों मिल रहे थे? देखिए समझी साहब, क्या है कि मैं थोड़े से अलग ख्यालात का इंसान हूं। मेरे लिए औरत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूं। खैर छोड़िए समझी साहब, आपने मुझे बुलाया, आप मुझसे मिलना चाहते थे क्यों? वो क्या है ना कि आपकी बच्ची मेरे को बहुत अच्छी लगी। ओ लेकिन समझी जी, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? देखिए वैसे तो आपकी बेटी ने अब बहुत सारी डिग्रियां ले ली। अब आप उसको समझाइए कि अब उस पर गृहस्थी की भी जिम्मेदारी है। पति इधर उधर भटक रहा, उसको संभाले, और ये डिग्रियों का खेल खेलना अब बंद कर दे। समझी साहब, क्या है कि डिग्रियों से खेलना हमारे खानदान की पुरानी परंपरा है। संजना की माँ भी जो है वो बहुत बड़ी डिग्री वास्ते हैं। शादी के बाद वो कुछ डिग्रियां हासिल करने के लिए लंदन गई, और लंदन से जब वापस लौटी तो डिग्रियों के साथ साथ पेडिग्री भी लेके आई, मतलब संजना को गोद में लेके आई थी। अबे ये बिलोटा किस थर्ड डिग्री टाइप की फैमिली में फंस गया? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं जी, कहने के लिए आपने छोड़ा ही क्या है। समधी साहब मैं चलता हूँ, वरना मेरी क्लास छूट जाएगी। आपकी कौन सी क्लास है? नहीं वो क्या है कि अभी 4-5 डिग्रियां मेरे ऊपर ड्यू हैं, वो लेनी है। अरे बहू, कभी तो थोड़ा आराम कर लिया कर, जब देखो किताबों में सर गड़ाए रहती हो। चाचा जी बस ये 2 डिग्रीज लास्ट के हैं मेरे, देन आई एम डन। बेटा डिग्रियां तो लेती रहना, पर इस दौरान है ना ये जरा बिलौटे पे भी थोड़ा ध्यान रखना। मेरे को लग रहा है ये किसी दूसरी डिग्री हथियाने के चक्कर में लगा हुआ है। ठीक है, उन्हें जो डिग्री हथियानी है वो वैसे भी हथिया के रहेंगे, मुझे बस मेरे डिग्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए। अरे अरे ये मेरे में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? यहीं पे झाड़ू क्यों लगा रही है? जरा उधर भी लगा और दूसरी जगह देख। न्यूटन। चाचा जी आप जानते हैं न्यूटन कौन थे? न्यूटन? ये कोई नया टर्न आया मार्केट में? नो चाचा जी, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। अरे बेटा हमारे खानदान में है ना इतने डरपोक लोग थे कि कभी किसी फोर्स में ज्वाइन ही नहीं किया। ओके, आर्यभट्ट। आप आर्यभट्ट कौन थे ये तो आप जानते होंगे। आर्यभट्ट? महेश भट्ट, आलिया भट्ट सुना है। आर्यभट्ट उनका कोई रिश्तेदार है क्या? गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा जी, चाचा चाचा। गुड मॉर्निंग मैडम। अबे मैडम, फिर से मैडम बोल रहे हैं? वो बताया था ना चाचा जी आपको, ये इनको हम प्यार से मैडम बोलते हैं, सब लोग मैडम बोलते हैं। तभी तेरा बच्चा नहीं हो रहा। अबे कोई बीवी से इतनी दूरी बना के रखता है क्या? मैं ना कल से नोटिस कर रहा हूं कि तू अपनी बीवी से दूर दूर रहता है, और ये सर्वेंटानी के पास पास। सर्वेंटानी? नौकरानी? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है चाचा जी, ऐसा ये सब मत सोचिए आप इतना। आपने नाश्ता किया? अबे नाश्ता है कहाँ, ये किताबों के पन्ने की बुर्जी बनाऊं क्या? नहीं है। साहिब अंदर आइए ना।